नवीन वीडियो में दिखने वाला ये शख्स है लॉरेंस बिश्नोई। इंडिया और कनाडा में कुशीदगी की वजह बनने वाला ये लॉरेंस बिश्नोई आखिर है कौन? आज की इस वीडियो में तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे कि लॉरेंस बिश्नोई का अगला टारगेट कौन है, कौन कौन से वो लोग हैं जिनको वो टारगेट करना चाहता है। प्रदीप सिंह कतल केस की तहकीकात करने वाले कैनेडियन पुलिस का यह मानना है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इंडिया के अहदेदारों से गहरा ताल्लुक है। एक सिख अलहदगी पसंद रहनुमा के 2023 के कत्ल में इंडियन हुकूमत के एजेंटों के मुलव्वस होने के इल्जाम के बाद 6 सफारतकारों को कनाडा की जानब से मुल्क से बदर कर दिया गया। हरदीप सिंह कत्ल केस की तहकीकात करने वाली कैनेडियन पुलिस का यह मानना है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इंडिया के अहदेदारों से ताल्लुक है और इस गैंग को कनाडा में सिख अलहदगी पसंदों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बात करें लॉरेंस बिश्नोई पर दर्ज मुकदमात की तो 40 से ज्यादा मुकदमात दर्ज हैं। अब सवाल यह है कि लॉरेंस बिश्नोई आखिर है कौन? 31 साल का लॉरेंस बिश्नोई लैब ग्रेजुएट है और 2015 से जेल में एक बैनुल अक़वामी जुराइम का गिरोह चला रहा है। बिश्नोई शुमाली रियासत पंजाब में 1993 में पैदा हुआ। छोटा कद दुबला पतला शख्स अदालत में पेश के मौके पर देखा गया कि वो दाढ़ी और मूंछों में नजर आया। वो मुख्तलिफ रियासतों के साथ साथ अगर हम बात करें कनाडा जैसे ममालिक की जेलों और अपने साथियों के जरिए ये गैंग चलाता है जो पड़ोसी मुल्क नेपाल और दीगर ममालिक में खालिस्तान के हामी अनासर के साथ रहते हुए हैं। तहम लॉरेंस बिश्नोई ने गुजशत साल एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि खालिस्तान या एक आजाद सिख रियासत के मुतालबे की शदीद मुखालफत करता है। इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई है कहाँ? तो आपको बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई इंडिया के की मरकजी रियासत गुजरात के दारुल हुकूमत अहमदाबाद के सेंट्रल जेल में कैद है और ये जेल में बैठ कर जेल से यह अपना दारुल अक़वामी गैंग चला रहा है। सवाल ये है कि उसके पास इंटरनेट और मोबाइल फोन और दीगर सहूलतें किसने किसके कहने पर ये सब कुछ उसे वहां पर तमाम की जाती है जिनकी मदद से वो इंटरनेशनल गैंग को मॉनिटर कर रहा है। कनाडा ने इल्जाम आयद किया है कि जो बिश्नोई है खालिस्तान तहरीकी हिमायत करने वालों को हदफ बना रहा है। अगर बात हम करें बिश्नोई की, बिश्नोई और उसके साथियों पर कत्ल भत्ताखोरी गश्तगर्दी से मुतल्लिक कई इल्जाम हैं। वो मारू समाजी और मजहबी रहनुमा फिल्मी सितारे और गुलूकार और माजरों को टारगेट कर चुका है। अगर हम बात करें कुछ हाई प्रोफाइल केसेस की 2022 में एक मशहूर पंजाबी गुरुदास सिद्धू मूसेवाले का कत्ल भी शामिल है जो कि इसी गैंग ने किया था। अगर हम बात करें 2018 की तो 2018 में इंडियन फिल्म की इंडस्ट्री की मशहूर एक्टर सलमान खान को भी इसी गैंग ने कत्ल की धमकियां दी थी। रवा साल सलमान खान के घर के करीब गोलियां भी चलाई गई। बिश्नोई की अगर हम बात करें तो बिश्नोई एक बार फिर दोबारा सलमान खान को धमकी दे चुका है। पुलिस ने दो सलाहकार को इस हमले के इल्जाम में गिरफ्तार किया था जिसके बारे में उन्होंने ये बताया कि इन जो बात का ताल्लुक है वो बिश्नोई गैंग से है और उनका कहना था कि बिश्नोई के कहने पर हमला किया गया। मुंबई में मुसल्ला अपराध ने बाबा सदीकी नामी सियासी रहनुमा को गोली मारकर कत्ल कर दिया। बिश्नोई ग्रुप से ताल्लुक रखने का दावा करने का वाले एक शख्स ने फेसबुक पर जारी पोस्ट में इस कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की थी। इसके बाद पुलिस हुकाम ने भी मीडिया को बताया कि इस साजिश के पीछे बिश्नोई का हाथ है। अगर हम बात करें बिश्नोई की इस वक्त क्या पोजीशन है, बिश्नोई के कितने मुकदमात का सामना है, तो बिश्नोई के वकील राजनी का ये कहना है कि कत्ल भत्ताखोरी और दस्तगर्दी के इल्जाम समेत तकरीबन 40 मुकदमात का सामना है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि बिश्नोई आखिर कैसे इस गैंग को बैठ कर गुजरात की जेल से ऑपरेट करता है।